बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद तंजीला। आज बकरा ईद स्पेशल में बनाएंगे ढाबा कढ़ाई, जो कि बहुत ही मजे की बनती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। केजी हमने लिया है मटन, इसमें हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, और 10 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे पहली सीटी के बाद। हमारा मटन ऑलमोस्ट 90% तक कुक हो गया है, अब 10% हम बाद में करेंगे। ये यखनी पड़ी हुई है हमारी। 5 हमने लिए टोमेटोज, इनको हमने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। 1 हमें चाहिए ऑनियन, क्यूमन सीड चाहिए 1 टीस्पून, 3 से 4 लिए ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून चाहिए ब्लैक पेपर, 1.5 टेबलस्पून हमें चाहिए रेड ग्रेस चिली, धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, क्रीम लिया 1/2 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया 2 टेबलस्पून, सूखी मेथी चाहिए हमें 1 कप, हमें चाहिए दही, ये हमने फ्रेश धनिया लिया है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप पहले हम डाल चुके हैं, अब आपको और मजीद चाहिए तो आप डाल लें, अदरवाइज जाने दें। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है, अब इसमें जीरा डाल देंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें अपने ऑनियन डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल लें, अदरवाइज जाने दें। मैं इसमें डालूंगी क्योंकि हमें ग्रेवी अच्छी लगती है। अब हम इनको लाइट पिंक कलर दे देंगे, इस तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी पिंक हो गई है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 1 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक का फ्लेवर अच्छी तरह अनियन में आ चुका है, अब हम इसमें टोमेटोज ऐड कर देंगे, ताकि हम 1 कप वाटर ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह टोमेटो सॉफ्ट हो जाए, और उसको कवर कर देंगे। ताकि हमारे टोमेटो सॉफ्ट हो जाए, अब हम इसको चेक करेंगे, टोमेटो हमारे सारे सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे अपने मसाले ऐड कर देंगे, रेड क्रस्टी भी ऐड करेंगे, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किए हैं, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा डाल लें, अगर कम चाहिए तो कम डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे, पहले भी मैं डाल चुकी हूँ, यखनी में भी है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप डाल लें, अदरवाइज जाने दें। अब सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह कुक हो गए हैं, अब हम इसमें अपना मटन ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मटन हमारा अच्छी तरह मसाला मिक्स हो गया है, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है, अब हम इसमें अपनी यखनी ऐड कर देंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती, हाई फ्लेम पे इसको हम कवर करके कुक करेंगे। पानी हमारा अच्छी तरह ड्राई हो गया है, अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे, सारी अच्छी तरह निकाल लेंगे,
इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो गई है, अब हम इसमें सूखी मेथी ऐड कर देंगे। इसको हाथों से अच्छी तरह मसल लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सूखी मेथी की भी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे, फिर हम इसमें अपना बटर ऐड करेंगे। सॉरी, मैं आपको बटर बताना भूल गई थी, ये मेरा होममेड बटर है, ये हमें 4 टेबलस्पून चाहिए। इसको ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और बटर में इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाए। मटन हमारा कुक हो गया है, अब हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे। ग्रीन चीज डाल देंगे इसमें, कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, जिंजर स्लाइस भी कटा हो, मिक्स करेंगे। कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, अब इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी ढाबा स्टाइल में कढ़ाई रेडी हो चुकी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करें। आज हम बनाएंगे मटन स्ट्यू, जो कि हम बचपन में बहुत ही शौक से खाते थे। आप 2 kg हमने लिया है मटन, 3 हमने लार्ज साइज के लिए हैं ओनियन, जिनको हमने स्लाइस में कटिंग कर लिया है, 3 हमें चाहिए टोमेटोस, इनको हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, साबुत लाल मिर्ची चाहिए, दालचीनी चाहिए, जीरा चाहिए 2 टीस्पून और तेजपत्ता चाहिए, जिंजर गार्लिक और हमने ग्रीन चिली को अच्छी तरह चॉप कर लिया है 2 टेबलस्पून हमें चाहिए जिंजर, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए गार्लिक, 4 से 6 हमें लिए हैं ग्रीन चिलीज, इनको हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। हमें चाहिए धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून हमें चाहिए सॉल्ट, चिली पाउडर चाहिए 2 टीस्पून, 2 टीस्पून हमें चाहिए क्रश्ड रेड चिली, हल्दी पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, लेमन चाहिए 1 कप, हमें चाहिए दही और धनिया चाहिए। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। एक कढ़ाई ली है हमने, हम इसमें अपना जीरा रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले ये प्री हीटेड है, जीरा रोस्ट करने का सबसे इजी वे है। जीरा डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जीरे से खुशबू आने लगी है, हमारा जीरा रोस्ट हो गया है। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1 कप हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम अपनी दालचीनी ऐड कर देंगे इसमें, तेजपत्ता ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली डाल, इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपना मटन ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली इसमें फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मटन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें इतने स्पाइसेस ऐड करेंगे, सारे जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। सारे स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटो का पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पहले वाला पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह गलाने के लिए 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी ऐड करें, ये बकरा ईद का गोश्त जल्दी गल जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी डलेगा।
अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं, अब इसको चेक करेंगे। पानी की तरह ड्राई हो गया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे, इसमें कच्ची प्याज डलती है, तो कर लेंगे मिक्स। हमने अपनी प्याज को 2 मिनट तक इसमें फ्राई कर लिया है। अब अपने इसमें दही ऐड कर देंगे। हमने अपने मटन को 90% तक कुक किया है, अब 10% तक आप कुक करेंगे दही डाल के, बाद में इसकी भुनाई करके आप इसको कवर कर देंगे। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, ये साबुत रेड मिर्ची भी डाल देंगे, इसको कवर कर देंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता इसका पानी। सारा पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे और सब चीजें अच्छी तरह मैश कर लेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं, अब इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे, फ्रेश कोरिएंडर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, उसके दम पे लगा देंगे। जी तो हमारा मटन स्ट्यू रेडी हो गया है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। कि इस स्पेशल मौका पर आज हम बनाएंगे मखनी कढ़ाई। ये जो चीजें मैं रिक्वायर हूँ ये हैं, 1.5 किलो हमने लिया है मटन, 2 हमने लिए हैं प्याज जिनको हमने चॉप कर लिया है, 2 हमें चाहिए टोमेटोज इनको भी हमने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून हमें चाहिए ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, रेड गरम चिली, सॉल्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जीरा चाहिए 2 टीस्पून, धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, हल्दी चाहिए 1 टीस्पून, दही चाहिए 1/2 कप, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए क्रीम, 4 से 5 हमने ली है ग्रीन चिलीज इनको हमने चॉप कर लिया है, मोटी वाली हमने यूज की है और जो मोटी वाली होती है वो इतनी तीखी नहीं होती, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, बटर चाहिए हमें, इसके अलावा हमें अदरक कटा हुआ चाहिए स्लाइस में, 1 लेमन चाहिए, कसूरी मेथी चाहिए। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया हमने, इसमें हमने 1 कप ऑयल डाला है, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, साथ ही हम अपने ऑनियन ऐड कर देंगे चॉप किए हुए, तो मिक्स कर लेंगे। और इसको कलर लाइट पिंक दे देंगे, हमारे ओनियन के कलर लाइट पिंक हो गया है। आपने इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट पिंक कलर देना है। अब हम इसमें अपना मटन ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, उसे 3 टेबल स्पून हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। जब हमारा मटन ग्रीन चिलीज में पकेगा जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैंने मोटी वाली यूज की है, आप भी मोटी वाली यूज करें, जो बारीक वाली थी बहुत थिकी। हमने अपने मटन को 4 से 5 मिनट्स इसी ग्रीन चिलीज में पक किया है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, चिलीज ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। साथ ही हम ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे। 3 मिनट से हमने इसको कुक कर लिया है, इन सब मसालों को मिक्स हो गए हैं वो। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे अपने चॉप किए हुए, साथ ही हम 3 गिलास पानी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 25-30 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको चेक करेंगे, हमारा गोश्त परफेक्टली गल चुका है। बीच में हमने 2-3 दफा इसको चम्मच भी हिलाया है। अब हम इसमें अपनी योगर्ट ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह और 5 मिनट्स के लिए इसको कवर कर देंगे।
अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक इसका पानी फुल ड्राई नहीं हो जाता। गोश्त हमारा परफेक्टली गल चुका है, पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें अपना बटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। एक से एक मिनट बाद हम इसमें अपनी क्रीम ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। साथ ही अब अपना गरम मसाला ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर देंगे और सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा गोश्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे, अदरक डाल देंगे, ग्रीन चिलीज। जी तो हमारी मखनी कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।